तो गेम तो लो फिर बोलो मैं आपको खुशामदीद। अगर ये हार जाते हैं तो सबसे सरे फेरिस नाम है शहबाज शरीफ का, उसके बाद बाकी लोग हैं बिलावल और दूसरे। तो आप क्या समझते किसको आना चाहिए एज अ वजीर आजम? शहबाज शरीफ को। इस मुल्क तो चोरों को नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। हमारे टॉम बॉय है ना शहबाज शरीफ साहब, वो आएंगे। किस बंदे को आप नया वजीर आजम देखना चाहोगे? इमरान खान को। सानिया मॉडल टाउन बहुत मशहूर है इनके ऊपर, कातिले आला उसको उनको कहा जाता है, वो रियासत में आ सकते हैं? यार वैसे तो कहते हैं ना 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चलती है, तो बस यही समझ ले कि अब वो आएंगे तो वो भी हज पे ही चले जाएंगे। जो भी अभी तक आया ना, चाहे वो बिलावल हो चाहे शहबाज शरीफ हो या इमरान खान, गरीब के लिए कुछ नहीं किया। हम शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ वजीर आजम बनने जा रहे हैं ये खबरें आ रही हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? वो कभी मर कर भी वजीर आजम नहीं बन सकता। वोटिंग होती है तो अगर इनमें से कोई आ भी जाए तो वो 1-1.5 साल के लिए आ जाएगा, अगले जो इलेक्शन होगा इंशाल्लाह इमरान खान की हुकूमत आ जाएगी। नई हुकूमत किसकी आएगी? गदे जी आएगी। खान साहब जीतेगा कल, देख लेना खान साहब जीतेगा कुछ भी। तो आप क्या समझते कौन जीतेगा फिर भी? मुझे तो इंशाल्लाह, अब मैं तो बोल रहा हूँ बिलावल जीतेगा। शहबाज शरीफ भी जीत जाए वो भी हमें मंजूर है, लेकिन इस युति से जान छूट जाए। इक्तदार में जो है वो बिलावल भुट्टो को आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए, पाकिस्तान और तबाह हो जाएगा। ऐसा है कुछ भी आ जाए पेट्रोल 100 रुपए करके दिखा दे वो। अगला वजीर आजम इमरान खान ही होगा या फिर कोई और? इमरान खान। शहबाज शरीफ अगर वजीर आजम बन जाए? वो मुल्क को गद्दार है वो तो। और अगर बिलावल भुट्टो बन जाए? बिलावल तो बादशाह आदमी, इसको क्या हुकूमत करने की जरूरत है, इसको किसी गरीब को बिठावे हुकूमत करे वो। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे तो लो फिर बोलो के न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।